अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जी हाँ, ये फेमस गाना तो आप सभी ने सुना ही होगा। इस फेमस गाने में राजेश खन्ना ने अपना बेहतरीन अभिनय दिखाकर ये साबित कर दिया था कि वो बॉलीवुड के सबसे दिग्गज एक्टर हैं। वहीं आपको बता दें, बॉलीवुड में कई लव स्टोरीज बनती हैं और बिगड़ती हैं। आपने देखा ही होगा कि आए दिन ब्रेकअप और पैचअप की खबरें सामने आती ही रहती हैं। लेकिन अगर पुराने जमाने की लव स्टोरीज के बारे में बात की जाए तो दोस्तों आपको बता दें कि पुरानी लव स्टोरीज में बात ही कुछ और थी। और आज हम एक ऐसी ही लव स्टोरी के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। मैं हूं आपकी होस्ट सुगत और आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी लव स्टोरी लेकर आई हूं, जिसमें हम बात करेंगे राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के बारे में। जी हाँ, आज राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और उनकी बेहतरीन एक्टिंग हमेशा हमारे जहन में और हमेशा हमको याद रहेगी। राजेश खन्ना की फिल्म जितनी दिलचस्प है, उतनी ही उनकी लव स्टोरी भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की लव स्टोरी से तो हर कोई वाकिफ होगा ही, लेकिन उनकी जिंदगी का एक अहम पन्ना भी है जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। जी हाँ, और आज हम आपको डिंपल और राजेश खन्ना की लव स्टोरी के साथ साथ उस अहम पन्ने को भी बात करने वाले हैं। दरअसल डिंपल के साथ शादी होने से पहले उन्हें दिग्गज फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री अंजू महेंद्र से प्यार हो गया था, लेकिन राजेश खन्ना ने आखिर में डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली। अब ये हुआ कैसे, ये आपको हमारे इस खास रिपोर्ट में जानने को मिलेगा। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नजर डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की प्यारी सी लव स्टोरी पर। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की प्रियम लव स्टोरी कुछ ऐसी ही है जैसी ना पहले किसी की थी और ना कभी किसी की हो सकती है। उनके रिश्ते में कभी खुशी प्यार तो कभी ऐसा भी टाइम आया जब सबको लगा कि इनका रिश्ता टूट सकता है। डिंपल कपाड़िया सुपरस्टार काफी कम उम्र में बन गई थी और शादी भी उन्होंने काफी ज्यादा कम उम्र में की थी। बता दें, दोनों की पहली मुलाकात अहमदाबाद के स्पोर्ट्स क्लब में हुई थी। यहाँ राजेश खन्ना बतौर चीफ गेस्ट आए थे। स्पोर्ट्स क्लब में राजेश खन्ना डिंपल को देखते ही उनके दीवाने हो गए और उन्हें अपना दिल दे बैठे। तो इधर डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना की बड़ी फैन थी। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया का अफेयर 3 सालों तक चला और इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। बता दें, डिंपल जब 16 साल की थी तभी उन्हें राजेश खन्ना से शादी कर ली थी। वहीं राजेश 31 साल के थे। ऐसा भी कहा जाता है कि दोनों का रिश्ता कुछ सालों बाद टूट गया था, लेकिन दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। और जब डिंपल कपाड़िया ने ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना को जन्म दिया, उसके बाद राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिंपल फिल्मों में काम करे और राजेश खन्ना की बात मानते हुए डिंपल ने भी अपना घर संभालना शुरू कर दिया और फिल्मों से दूरी बना ली। इनके रिश्ते की सबसे अच्छी बात यही थी कि दोनों हमेशा एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। राजेश खन्ना ने अलग होने के बाद भी कहा था कि डिंपल को मैं आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। तो वही डिंपल कपाड़िया का कहना था कि वो हमारे बच्चों के पिता हैं, तो उनसे खास मेरी जिंदगी और कोई नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, डिंपल ने राजेश खन्ना के आखिरी समय में भी उनका काफी ख्याल रखा था। यहाँ तक की हमेशा उनके पास ही दिखाई देती थी। आपने डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की लव स्टोरी के बारे में तो जान लिया, लेकिन लव स्टोरी का एक दूसरा पहलू भी था जो शायद ही आप सभी को मालूम होगा। जी हाँ, राजेश खन्ना का सबसे अलग अंदाज आज भी याद किया जाता है। राजेश खन्ना ने अपने जमाने में कई लड़कियों के दिलों पर कब्जा जमा रखा था, लेकिन डिंपल कपाड़िया से शादी के बाद भी सभी का दिल टूट गया। राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की लव स्टोरी से तो हर कोई वाकिफ होगा, लेकिन उनकी जिंदगी का एक और अहम पन्ना भी है
जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। दरअसल डिंपल कपाड़िया के साथ शादी होने से पहले उन्हें दिग्गज फैशन डिजाइनर और अभिनेत्री अंजू महिंद्रू से प्यार हुआ था, लेकिन 7 साल तक कायम रहे इस रिश्ते के टूटने के बाद वो 17 साल तक एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहे। इसी बीच राजेश खन्ना ने मार्च 1973 में डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली थी। वहीं अगर बात की जाए अब राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया के प्यार की, तो आपको बता दें राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वहीं राजेश खन्ना डिंपल को प्यार से डिंपी बुलाते थे और डिंपल कपाड़िया उन्हें काका बुलाती थी। उनकी शादी 10 साल ही टिकी, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे को तलाक नहीं दिया। बताया जाता है कि राजेश काम में बहुत व्यस्त रहते थे और डिंपल ट्विंकल और रिंकी को समय नहीं दे पाते थे। इससे नाराज डिंपल कपाड़िया ने भी काम करने की इच्छा जताई, लेकिन राजेश खन्ना ने उन्हें घर पर ही रहकर दोनों बच्चियों को संभालने के लिए कहा। इतना ही नहीं, अलग होने के बाद डिंपल ने कहा था कि हमारे घर से खुशी उसी दिन चली गई थी जिस दिन मैंने राजेश से शादी की थी। दूसरी शादी के सवाल पर उन्होंने जवाब दिया था कि मैं बहुत खुश हूँ और संतुष्ट हूँ, मुझे दूसरी शादी करने की क्या जरूरत, एक बार कर ली वही बहुत है। इतना ही नहीं, आपको बता दें असफलता ने राजेश को शराब में डुबा दिया था और उनका व्यवहार बद से बदतर होता जा रहा था। डिंपल ये सहन बिल्कुल नहीं कर पाई और राजेश से अलग हो गई। फिर भी उनका अपने पति के बारे में कहना था कि वो मेरे बच्चियों के पिता हैं और मेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा है, वो मेरे लिए कभी गैर जरूरी नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, डिंपल के बाद राजेश टीना मुनीन के साथ रिलेशनशिप में रहे, लेकिन उन्होंने कभी टीना से शादी नहीं की। उन्हें लगता था कि उनके और डिंपल के तलाक का बच्चियों पर काफी ज्यादा गलत असर पड़ेगा। आज भले ही राजेश खन्ना इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी राजेश खन्ना के फैंस उनकी फिल्मों को याद करते हैं, उनके बेहतरीन अभिनय को याद करते हैं और उनके बेहतरीन गानों को याद करते हैं। वहीं डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की लव स्टोरी ऐसी है जैसी ना आपने कभी देखी होगी ना ही कभी आपने सुनी होगी। जैसा कि हमने आपको बताया, राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया तलाक नहीं लिया इन दोनों ने, लेकिन बावजूद इसके लड़ाइयों के बाद भी अलग अलग रहने लगे, लेकिन इन्होंने कभी तलाक नहीं दिया। वहीं राजेश खन्ना के आखिरी समय में भी डिंपल कपाड़िया ने उनका पूरा पूरा साथ दिया, उनका पूरा ख्याल रखा। इसी के साथ आपको बता दें कि बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना का इंडस्ट्री में हमेशा से ही अलग रुतबा रहा है। 70 और 80 के दशक में राजेश खन्ना ने कई सुपरहिट फिल्में दी। इन फिल्मों के बाद राजेश खन्ना इंडस्ट्री के नए सुपरस्टार बनकर उभरे। ये स्टारडम का ताज काफी दिनों तक उनके सर पर रहा। यही वजह रही कि उन दिनों राजेश खन्ना के सामने दूसरी हीरो बुरी तरह से फ्लॉप साबित रहे। राजेश खन्ना की शादी डिंपल कपाड़िया से तो हुई, लेकिन सभी जानते हैं कि डिंपल राजेश खन्ना की पहली पसंद नहीं थी। राजेश खन्ना डिंपल कपाड़िया से पहले अंजू से प्यार करते थे और यहां तक कि कहा तो ये भी जाता था कि वो अंजू से शादी भी करना चाहते हैं। लेकिन भाई आपको बता दें, अंजू से तो शादी नहीं हो पाई, लेकिन राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की लव स्टोरी ने धीरे धीरे आसमान छूना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ टाइम बाद अलग तो हुए, लेकिन अलग होने के बाद भी इनका प्यार कायम रहा और हमेशा से ही डिंपल कपाड़िया को अलग होने के बाद भी राजेश खन्ना की तारीफ करते हुए देखा गया था। भाई प्यार हो तो डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना जैसा हो। जिस तरह से अलग होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। वहीं राजेश खन्ना के आखिरी समय में डिंपल उनके साथ रही, उनका ख्याल रखती रही। साथ ही साथ आपको ये भी पता चला कि राजेश खन्ना पहले डिंपल कपाड़िया से नहीं बल्कि अंजू से प्यार करते थे, लेकिन जब अंजू उन्हें छोड़कर चली गई तब उनकी जिंदगी में आई डिंपल कपाड़िया और वो डिंपल को अपना दिल दे बैठे। लेकिन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, एक बार फिर लौटेंगे ऐसी ही कुछ और मजेदार लव स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूले नेक्स्ट 9 न्यूज
और भी बॉलीवुड की तमाम लव स्टोरीज और भी कई बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज को। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।